रामनगर में बबीता अपने दो बेटे सोनू और मोनू के साथ रहती है। दोनों बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन बबीता गरीब है। वो गांव में मजदूरी करती है, लेकिन फिर भी उससे ज्यादा कुछ कमा नहीं पाती है। घर के खाने और पढ़ाई के लिए ही पैसे मुश्किल से जमा हो पाते हैं। एक दिन, सोनू, मोनू, जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, रोजाना इतनी देरी करते हो। माँ, वैसे भी ज्यादा तैयार होने का कोई फायदा नहीं है। हाँ माँ, हम रोजाना स्कूल जाते समय नदी तैर कर जाते हैं, जिसकी वजह से हम भीग जाते हैं। हाँ, लेकिन बच्चों, अब इस नदी पर किसका जोर चलता है, लेकिन ध्यान रखना कि नदी ध्यान से पार किया करो। हाँ माँ, नदी पर एक काका रहते हैं ना, वो हमें नदी पार कराते हैं, इसलिए हम आसानी से नदी पार कर लेते हैं। हाँ, दिनेश भैया बहुत अच्छे हैं। अब जल्दी जाओ। माँ, आज मेरे लिए दूध ले आना। हाँ माँ, सिर्फ दलिया खाना अच्छा नहीं लगता, उसके साथ दूध भी चाहिए। हाँ माँ, आज दलिया के साथ दूध भी ले आना। हाँ माँ, अब हम स्कूल जा रहे हैं। सोनू और मोनू दोनों स्कूल चले गए, लेकिन माँ बबीता बहुत परेशान हुई। मैं अपने बच्चों के लिए दूध कैसे लाऊं? सुबह से शाम तक कुछ पैसे मिलते हैं, उसमें दूध लाना मुश्किल है, लेकिन आज पूरी कोशिश करूंगी कि अपने बच्चों के लिए दूध लेकर आ पाऊं। बबीता अपने गांव रामनगर में ही मजदूरी करने चली गई, लेकिन शाम को उसके पास फिर भी ज्यादा पैसे नहीं थे। वो दुखी मन से घर वापस लौट आई। उसके बच्चे सोनू और मोनू दोनों ने देखा कि माँ दूध लेकर नहीं आई है। इस बात से भी दोनों बहुत दुखी हुए। माँ, आप आज दूध नहीं लेकर आई हो? हाँ माँ। आज पूरा परिवार दुखी मन से सो गया। अगले दिन दोनों भाई स्कूल जाने के लिए नदी पर पहुँचे, तभी दिनेश उन्हें नदी पार कराने आया। आ गए प्यारे बच्चों। हाँ काका। काका, आज जल्दी नदी पार करा दो। अरे क्या हुआ मोनू, आज इतने गुस्से में क्यों है भाई? कुछ नहीं, इसको दूध नहीं मिला, इसलिए ये बहुत गुस्से में है। अच्छा, अब समझा। कोई नहीं, वहाँ सामने एक जादुई हवेली है, मैंने सुना है कि उसमें सब कुछ मिलता है। आज मैं वहाँ जाऊँगा और तुम्हारे लिए दूध लेकर आऊँगा, ठीक है? काका, हम भी आपके साथ चलें क्या? नहीं, मैंने सुना है कि वहाँ बच्चे नहीं जाते। हाँ सोनू ठीक कह रहा है, मैं अकेले जाऊँगा और तुम्हारे लिए बहुत सारी चीजें लाऊंगा। काका, मैं शाम तक इंतजार नहीं कर सकता हूँ। तो ठीक है, अभी नदी पार करके चलते हैं और उस हवेली से चीजें मांगते हैं। दिनेश ने दोनों बच्चों को नदी पार कराई। तीनों नदी के दूसरी तरफ जादुई हवेली के पास जा पहुँचे। दिनेश हवेली में चला गया। हवेली के अंदर धुआं धुआं था, कुछ डरावनी चीजें उसे डरा रही थी। दिनेश ने हवेली से बाहर निकलने की सोची, लेकिन किसी ने उसे पकड़ लिया और वो चिल्लाने लगा। अरे बचाओ, बचाओ, कोई बचाओ मुझे, बचाओ। काका क्यों चिल्ला रहे हैं? शायद उनको कोई परेशानी है, चलो अंदर चलते हैं। तभी उन्हें नदी में से एक शोर सुनाई दिया। वहाँ एक छोटा बच्चा नदी में डूब रहा था। सोनू और मोनू ने उस छोटे बच्चे की तरफ देखा और हवेली के अंदर से दिनेश के चिल्लाने की आवाज और दूसरी तरफ नदी के अंदर से एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। समझ नहीं आ रहा है कि पहले किसको बचाया जाए। भाई, काका बड़े हैं और वो खुद से भी बाहर आ सकते हैं, लेकिन ये बच्चा छोटा है, ये खुद से बच नहीं सकता। हाँ, पहले इस बच्चे को बचाते हैं, फिर काका के पास चलेंगे। दोनों भाई नदी में कूद गए। उन दोनों को खुद भी तैरना नहीं आता था, लेकिन दोनों ने हार नहीं मानी और उस बच्चे को जाकर पकड़ लिया। वो तीनों खुद भी नदी में बहने वाले थे, लेकिन तभी सोनू के हाथ एक बड़ी लकड़ी आ गई। तीनों बच्चों ने उस लकड़ी को पकड़ लिया और बाहर आ गए। और फिर दोनों भाई दौड़कर हवेली की तरफ गए, लेकिन वहाँ से दिनेश की आवाज नहीं आ रही थी। दोनों भाई डर गए। काका कुछ बोल क्यों नहीं रहे? पता नहीं ऐसा क्या हुआ। हे ईश्वर, सब कुछ ठीक रखना। दोनों भाई अंदर गए तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि दिनेश बैठकर भोजन कर रहा है और एक महिला उसके पास बैठी है। वहाँ बहुत सारा भोजन रखा है। वाह काका, आप यहाँ भोजन कर रहे हैं और हम आपके लिए डर रहे थे,
जब आपको भोजन मिला तो आपने बताया भी नहीं। हाँ काका, मोनू बिल्कुल सही कह रहा है। इसमें इनकी गलती नहीं है। जो बच्चा पानी में डूबा वो मेरा ही बच्चा है। मैं सिर्फ ये देखना चाहती थी कि तुम कितने अच्छे हो, इसलिए मैंने उसे पानी में डुबाया, जिसके बाद तुम दोनों ने अपनी जान पर खेलकर उसे बचाया। मैं इस बात से बहुत खुश हुई। सच्ची? हाँ, और अब ये जादुई हवेली मैं तुमको दे रही हूँ। इसमें तुम्हें कभी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम अपने परिवार के साथ खुश रहोगे और मैं अपने बेटे के साथ अब एक अलग दुनिया में जा रही हूँ। अब तो हमें नदी भी पार नहीं करनी पड़ेगी। दोनों भाई बहुत खुश हुए और अपनी माँ के साथ जादुई हवेली में रहने लगे। जादुई पहेलियाँ पार्ट टू। अमन और चमन का परिवार उदयपुर नाम के गांव में रहता था। आज दोनों का स्कूल में एग्जाम था, इसीलिए दोनों जल्दी उठ गए। अम्मा देखना जरा, चमन एक बार शौचालय जा चुका है और अब जब मेरी बारी आई तो ये दोबारा घुस गया। खुद तो लेट होगा ही, मुझे भी लेट कराएगा। थोड़ा इंतजार कर लो बेटा, उसके पेट में गड़बड़ हो गई है, इसीलिए शायद दोबारा गया है। चमन जब काफी देर तक बाहर नहीं निकला तो अमन ने बाल्टी में पानी भरकर दरवाजे के ऊपर से टॉयलेट में डाल दिया। चमन तुरंत ही भीगे कपड़ों के साथ बाहर निकल आया। अम्मा देखना, अमन ने क्या किया, मेरी ड्रेस गीली कर दी। अब मैं स्कूल कैसे जाऊंगा? तुम्हारे पापा सोकर उठ गए हैं, प्रेस करके ड्रेस सुखवा लो। अमन ने नहा धोकर जल्दी से खाना खाया। अम्मा सब्जी में तुमने बहुत मिर्च डाल दी है। अमन घड़े में पानी लेने गया लेकिन उसे घड़े के ऊपर ग्लास नहीं मिला। जल्दी में उसने पानी पीने के लिए घड़े के अंदर अपना सिर डाल दिया। अम्मा पापा, मैं मटके से सिर नहीं निकाल पा रहा हूँ, किसी ने मेरा सिर पकड़ लिया है। अमन की माँ ने अमन को पकड़कर घड़े से बाहर खींचने की कोशिश की, लेकिन अमन घड़े में घुस गया। अमन को पकड़ने के चक्कर में माँ भी आधी घड़े में घुस गई। चमन और उसके पिता दौड़ते हुए आए और उन्होंने माँ को बाहर खींचने की कोशिश की, लेकिन वो भी घड़े के अंदर घुस गए। चारों लोग अचानक सुंदर पहाड़ों के बीच पहुंच गए। पापा ये हम कहां आ गए? पता नहीं बेटा, ये जगह तो विदेश जैसी लग रही है। तभी उन चारों के सामने एक जिन्न प्रकट हुआ। पहेलियों की दुनिया में स्वागत है। यहाँ जीने के लिए और यहाँ से वापस घर लौटने के लिए तुम्हें बस कुछ पहेलियों का जवाब देना होगा। हर सही जवाब पर इनाम मिलेगा और गलत जवाब पर दंड। तुम्हें पार करने होंगे खतरनाक मगरमच्छों से भरा तालाब, घास के मैदान और लंबा पुल। इतना कहकर जिन्न गायब हो गया। अम्मा आज हमारी परीक्षा है और हम यहाँ फंस गए हैं। अगर हमने परीक्षा नहीं दी तो फेल हो जाएंगे। बेटा अभी यहाँ से निकलने की सोचो, परीक्षा भूल जाओ। बगुले उस तरफ उड़कर जा रहे हैं, तालाब वही होना चाहिए। चलो तालाब पार करने चलते हैं। चमन का परिवार तालाब किनारे पहुंचा। तालाब में ढेर सारे मगरमच्छ थे। इस तालाब को हम कैसे पार कर पाएंगे? इसमें अगर पैर भी रखा तो मगरमच्छ हमें समूचा लील जाएंगे। ये पहेलियों की दुनिया है, यहाँ पहेलियाँ ही हमारे काम आएंगी। चमन ने चिल्ला कर कहा, हमें तालाब पार करना है, हमसे पहेली पूछो। तभी एक बड़ी सी मछली तालाब के किनारे आई और उनसे बोली, मैं तुम्हारी तालाब पार कराने में मदद करूंगी, लेकिन तुम्हें मेरी एक पहेली का जवाब देना होगा। ठीक है, पहेली पूछो। खाना कभी नहीं खाता वो और ना पीता पानी, उसकी बुद्धि के आगे तो हार माने ज्ञानी। अब भला ऐसी कौन सी चीज होगी जो खाना नहीं खाती और पानी नहीं पीती, फिर भी बुद्धि उसकी तेज हो? ये अमन चमन तो खूब खाते हैं। चमन और उसके पापा को भी पहेली समझ में नहीं आई, लेकिन अमन समझ गया।
कंप्यूटर। कंप्यूटर खाना नहीं खाता और पानी भी नहीं पीता, लेकिन उसका दिमाग किसी भी इंसान से तेज होता है। बिल्कुल सही जवाब। मछली ने चारों लोगों को अपने ऊपर बैठा ला और झट से तालाब पार करा दिया। तालाब पार करते ही वो लोग घास के मैदान में पहुँच गए। उस जिन ने कहा था कि घास का मैदान खतरनाक है, लेकिन इस घास के मैदान में खतरनाक तो कुछ भी नहीं दिख रहा। मुझे लग रहा है इस मैदान में चींटियां ही खतरनाक हैं। चींटियों ने काट काट कर चारों को परेशान कर दिया। एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से ये चींटियां तो काट काट कर जान ही निकाल देंगी। अमन चमन के पापा ने चिल्ला कर कहा, हम मैदान पार करना चाहते हैं, हमसे पहेली पूछो। तभी एक बड़ी सी चींटी वहां आई और उनसे बोली, मैदान की सारी चींटियां गायब हो जाएंगी, लेकिन तुम्हें मेरी पहेली का जवाब देना होगा। ठीक है, जल्दी पहेली पूछो। वो क्या है जो जिसका है सिर्फ वही देख सकता है और सिर्फ एक बार ही देख सकता है। जो जिसका है वही देख सकता है और सिर्फ एक ही बार देख सकता है। अब भला ये कैसी अजीब सी पहेली हुई। अमन चमन और उसके पिता का दिमाग घूम गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि पहेली का जवाब क्या होगा। तभी अमन चमन की माँ बोल पड़ी, सपना, सपना जिसका होता है सिर्फ वही देख पाता है और सिर्फ एक बार ही देख पाता है। सपने को दोबारा देखने का तो कोई उपाय नहीं है। बिल्कुल सही जवाब। पहेली का जवाब देते ही उन चारों के शरीर से चींटियां गायब हो गईं। हमने दो चीजें तो पार कर ली है, अब सिर्फ पुल बचा है, लेकिन पुल तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। हमें थोड़ा आगे चलकर देखना चाहिए। कई घंटे चलने के बाद वो लोग एक खाई के नजदीक पहुंच गए, जिस पर एक पतला सा पुल बना हुआ था। चारों लोग पुल पार करने लगे। जब वे बीच रास्ते में पहुंच गए तो पुल पर अचानक एक हाथी आ गया। मैं तुम लोगों को तभी आगे बढ़ने दूंगा जब तुम मेरी पहेली का जवाब दोगे। अगर तुमने गलत जवाब दिया तो मैं पुल पर कूदना शुरू कर दूंगा और पुल को हिलाकर तुम्हें नीचे खाई में गिरा दूंगा। ठीक है हाथी राजा, अपनी पहेली पूछो। हाथी फरवरी महीने में जनवरी और मार्च के मुकाबले कम पानी क्यों पीता है? अमन तपाक से बोल पड़ा, क्योंकि फरवरी महीने में हाथी को कम प्यास लगती होगी। गलत जवाब। हाथी ने जोर जोर से कूदना शुरू कर दिया। पुल हिलने लगा और चारों लोग खाई में गिर पड़े। नीचे नदी बह रही थी, इसीलिए उन चारों की जान बच गई। अमन तुम्हें एकदम से नहीं बोलना चाहिए था। हाथी फरवरी में जनवरी और मार्च के मुकाबले कम पानी पीता है, क्योंकि फरवरी महीने में सिर्फ 28 दिन ही होते हैं। जब कम दिन होंगे तो पानी भी तो कम ही पिएगा बुद्धू। अब हमें दोबारा ऊपर चढ़ना पड़ेगा, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। चारों लोग चढ़ाई करके दोबारा पुल पर पहुँचे। बीच पुल पर वही हाथी उन्हें दोबारा मिला। पहेली पूछो। वो कौन सी चीज है जो एक जगह से दूसरी जगह जाती है पर अपनी जगह से हिलती नहीं? अब भला ये कैसी पहेली है। कोई भी चीज अगर एक जगह से दूसरी जगह जाएगी तो हिलेगी तो जरूर। एक मिनट, मैं जवाब देता हूँ। सड़क। सड़क एक जगह से दूसरी जगह जाती है पर अपनी जगह से नहीं हिलती। ठीक जवाब। हाथी गायब हो गया और चारों लोगों ने पुल पार कर लिया। पुल पार करते ही वो लोग अपने घर पहुंच गए। घड़ी में अब भी 7:30 ही बज रहे हैं और जब हम लोग मटके में घुसे थे तो टाइम इतना ही हो रहा था, मतलब समय बीता नहीं है। अब तुम दोनों फटाफट स्कूल जाओ और कभी भी घड़े में सिर डालकर पानी मत पीना।